जब लक्ष्मण को मूर्छा आई और भगवान ने सोचा कि मेरा ये सबसे बड़ा संकट कौन हर सकता है, उन्होंने हनुमान से कहा कि तुम जाओ और संजीवनी लेके आओ। तो जब आकाश में हनुमान चले तो सूरज निकला हुआ था, और अगर सूरज इधर निकल जाता जहां लक्ष्मण लेटे हुए थे, उनका भुजा जैसा भाई, जिसे वो अपनी भुजा कहते हैं दाहिनी, वो पृथ्वी छोड़ जाता, भगवान सहन न कर पाते। सूरज से मिले तो उन्होंने कितनी विनम्रता से बात की। सूरज से बोले, सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। इसलिए छिपे रहना भगवान, जब तक मैं जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटा दूं मैं, अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है, मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, अंतिम मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा।